आप देख रहे हैं एमपीसीजी एक्सप्रेस न्यूज। अगर आप हमारी खबरें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक करें। मानक स्तर का गेहूं खरीदी पर केंद्र प्रभारी सर्वेयर पर धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज। केंद्रीय जिला सहकारी बैंक शाखा बड़ा मलेरा की सेवा सहकारी समिति बीरों के गेहूं उपार्जन केंद्र सतपारा के केंद्र प्रभारी व सर्वेयर द्वारा मानक स्तर का गेहूं खरीदे जाने पर खाद्य अधिकारी द्वारा धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज कराया गया है। जानकारी के मुताबिक उक्त गेहूं खरीदी केंद्र प्रभारी मनीष दुबे तथा सर्वेयर हरगोविंद सोनी द्वारा उपार्जन नीति वर्ष 2021-22 का उल्लंघन कर किसानों से अमानक स्तर के गेहूं की खरीदी की गई, जिसकी शिकायत मिलने पर SDM BK आनंद के निर्देशन में तहसीलदार संजय शर्मा, नायब तहसीलदार सुनील बालमी, खाद निरीक्षक राकेश कन्हुआ ने मौका जाँच की और गेहूँ अमानक स्तर का पाया, जिस पर खाद्य निरीक्षक की रिपोर्ट पर थाना प्रभारी भगवान ने उक्त खरीदी केंद्र के प्रभारी व सर्वेयर के ऊपर शासन के साथ धोखाधड़ी की धारा 420-34 IPC के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया।